अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि शुद्ध देसी घी घर पर किस तरह से निकालते हैं। सभी को घर का देसी घी बहुत पसंद होता है, लेकिन झंझट ये लगता है कि बर्तन भी काफ़ी सारे गंदे हो जाते हैं और जिस बर्तन में हम इसे पकाते हैं घी निकालने के लिए, वो भी जल जाता है। तो लेकिन आज मैं आपके साथ में अपनी रेसिपी शेयर कर रही हूँ कि मैं किस तरह से देसी घी बनाती हूँ, और बहुत ही सिंपल तरीके से आप भी बना पाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। घी निकालने के लिए यहाँ पर मैंने इस तरह से मैं मलाई इकट्ठी कर लेती हूँ जो दूध पर आती है, जो हम डेली दूध बॉईल करते हैं उसके ऊपर जो मलाई आती है फुल क्रीम दूध पर, तो इसे मैं इस तरह से इकट्ठा कर लेती हूँ। और घी निकालने का तरीका जो है ना, वो बहुत ही सिंपल है मेरा। उसे आपको अलग ही लगेगा कि ये बहुत ही आसानी से घी निकल गया है और आपके बर्तन भी नहीं जलेंगे और कुछ ही मिनट्स में आपका घी बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये मेरी 10 दिन की मलाई है और ये मैंने निकाल ली थी दूध के ऊपर से, तो इसे मैंने फ्रीज़र से बाहर निकाल के रख दिया था। तो आप देख सकते हैं ये थोड़ी घुल गई है, लेकिन अभी भी इसमें बर्फ़ जमी हुई है थोड़ी सी। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेंगे एक मिक्सर का जार, आप कोई सा भी जार यूज़ कर सकते हैं या आप ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे सारी मलाई। मैंने मिक्सर के जार में जो है ना, वो मलाई को शिफ्ट कर दिया है और अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे किस तरह से ब्लेंड करना है। तो अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के करीब पानी। पानी आप याद रखें कि बिल्कुल चिल्ड होना चाहिए, आप चाहें तो आइस क्यूब का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हमें मिक्सर को इस तरह से चलाना है, पहले चलाना है फिर रोक देना है, ऑन ऑफ करते रहना है। एक ही बार आप बिल्कुल लगातार नहीं चलाइएगा, बार बार ऑन ऑफ करते रहिएगा। फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका रिजल्ट। अभी मैं इसे 5 से 6 बार ही चला चुकी हूँ और इसकी कंडीशन मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से इसी तरह से हम इसे एक बार और चला लेंगे। पर आप देख सकते हैं इसे चलाने के बाद में ये हुआ है कि जो हमारा जो बटर है ना, जो मक्खन है वो अलग हो चुका है और इसका जो मिल्क है ना वो अलग हो चुका है। तो अभी हम इन सब चीज़ों को एक जगह इकट्ठा कर लेंगे, मतलब ये जो बटर है ना हमारा, इसकी हम एक बॉल बनाकर तैयार कर लेंगे। फिर उससे क्या होता है, आप चाहें तो उसे एज ए बटर यूज़ कर सकते हैं या आप उसका घी निकाल सकते हैं, इससे बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। पर मैंने शिफ्ट कर दिया है सारे मक्खन को एक बोल में और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा हमारा जो बटर है ना, जो मक्खन है, वो तैयार हो चुका है। और बस अब हम इसकी एक बॉल बनाकर तैयार कर लेंगे और इसका दूध अलग कर लेंगे, जिसे लोग मट्ठा भी कहते हैं। आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं आटा गूंदने में या रोटी या पराठे वगैरह में। तो अभी मैं इसे एक साथ अलग कर लूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका घी हम किस तरह से निकालेंगे। देख सकते हैं मैंने यहाँ पर दूध अलग हो चुका है, मतलब हमारा मट्ठा जो है ना वो अलग तैयार हो चुका है। और जो हमारा बटर है वो देखिए यहाँ पर अलग से तैयार हो चुका है, इसमें से मैंने बिल्कुल दूध निकाल दिया है। और अब हम घी निकालेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। यहाँ पर ले ली है मैंने एक कढ़ाई, आप चाहें तो कोई सा भी बर्तन यूज़ कर सकते हैं घी निकालने के लिए। और इसे हम शिफ्ट कर देंगे कढ़ाई में और फिर मैं आपको आगे भी बताती हूँ। गैस यहाँ पर मैंने ऑन कर दी है और बस अब हमें घी जो निकालना है ना, वो घी फटाफट से निकल जाएगा और आपके बर्तन भी नहीं जलेंगे, जो नीचे से लग जाते हैं बर्तन वो भी नहीं, बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं होगी आपको। इस तरह से आप बहुत ही आसानी से घर पर ही घी बनाकर तैयार कर सकते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो लेडीज़ की, वो यही होती है कि बर्तन बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं घी निकालने में, चिकने बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये जो तरीका है ना, इस तरह से आपके बर्तन भी बहुत कम गंदे होंगे और आपकी जो गैस होगी ना, गैस की भी बचत होगी, गैस भी आपकी ज़्यादा नहीं लगेगी। तो इस तरह से हम इसे कुक कर लेंगे, अच्छी तरह से इसे हम पका लेंगे। हल्के हल्के जो पार्टिकल्स दिखेंगे ब्राउन ब्राउन से, उसे हम छन्नी की हेल्प से या स्ट्रेनर की हेल्प से हम इसे छान लेंगे।
तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, अभी 10 मिनट भी नहीं हुए हैं और हमारा घी जो है ना वो बनकर तैयार हो चुका है। और अब मैंने फ्लेम कर दिया है ऑफ, और बस इसे मैं आपको अभी छान कर दिखाती हूँ। तो जिस बर्तन में आप या जिस डब्बे में घी निकालने वाले हैं, आप पहले मेक श्योर कर लें कि वो बिल्कुल साफ़ हो और सूखा हो, उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर उसमें पानी रहा तो घी के ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अब हम जो हमने घी बनाया है उसे मैं छन्नी की हेल्प से छान देती हूँ। तो यहाँ पर हमारा घी जो है वो अलग हो चुका है और मैं आपको दिखाऊं, मैंने छन्नी पर इस तरह से एक कोट, यहाँ पर हमारा घी जो है वो बिल्कुल अलग हो चुका है और ये 10 मिनट से भी कम टाइम में निकल चुका है, क्योंकि हमने इसे पहले मिक्सर में डाल के जो ब्लेंड किया था ना उसकी वजह से टाइम बच गया है। और एक चीज़ मैं आपको और दिखाऊँ, यहाँ पर मैंने इस तरीके की छन्नी ली थी और छन्नी के ऊपर एक मैंने कॉटन का जो कपड़ा है ना वो इस तरह से रख दिया था, ताकि इसके जो छोटे छोटे से भी जो ब्राउन पार्टिकल्स हैं वो भी घी के अंदर ना जाएँ। और घी बिल्कुल आप देख सकते हैं एकदम पर हमारा घी बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप भी इस तरह से घी बनाकर ज़रूर देखिएगा, आपका टाइम भी बचेगा और आपके बर्तन भी ज़्यादा गंदे नहीं होंगे और आपकी गैस की भी बचत होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।